बारिश के चलते आवागमन हो रहा बाधित। मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसाती नालों के उफन पर आने के कारण स्थानीय पुल पुलिया बरसाती नालों में डूब गए हैं। इसके साथ ही बारिश में थावर पुल डूबने से नैनपुर सिवनी मार्ग बंद हो गया है। मार्ग के दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी हैं, क्योंकि ये मार्ग दो जिलों को जोड़ता है, जिसके चलते यातायात बाधित हो रहा है, साथ ही जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। थावर पुल का कार्य कछुए गति से चलने के कारण दो जिले मंडला और सिवनी को जोड़ने वाला यह पुल लंबे अरसे से बनकर तैयार होने के इंतजार में आमजन उम्मीद लगाए बैठे हैं। हर बारिश में यह पुल के ऊपर से पानी जाने के चलते आवाजाही बंद हो जाती है और दो जिलों का संपर्क टूट जाता है, जिससे आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सालों से इस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, किंतु मंद गति से कार्य होने के कारण आज भी यह पुल तैयार नहीं हो पाया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है। शाम होते होते पुल के ऊपर से आवागमन चालू किया गया। पुल में देखने को मिला कि उसमें बड़ा गड्ढा हो चुका है और पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते भारी वाहनों का आवागमन बाधित हो सकता है। अरे ज्यादा लंबी मत बना, स्तर पे भी ले आप देता हूँ कंफर्टेबली। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।